हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अपना कंप्यूटर साइंस का जिहड़ा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, ज़्यादा नैक्सट टॉपिक अपना हैगा सी एस एस मार्जिन बारे आप डिस्कस करना। मार्जिन बेटा हुंदा कि आप आला दुआला जो भी सैटिंग करते हैं पेज की, लैफ्ट राइट बॉटम टॉप, ठीक है। तो जिहड़ी सी एस एस प्रॉपर्टी एलीमेंट के दुआले की जगह हुंदी है निर्धारित करने लिए वरती जाती है, इस जगह को मार्जिन कहा जाता। जिहड़ा हाशिए छड्डदे जिवें तुसीं पेपर करदे होने ना, पेपर के लास्ट से पेज से शीट से तुसीं लाइन मार लैंदे हो जां फ्रंट से लाइन मार लैंदे हो, जिहड़ी विचाले जगह हुंदी उत्थे आपां यूज़ करदे हांगे, मतलब वर्किंग करदे हां। साइडां ते जिहड़ी जगह छड्डी जांदी उहनूं मार्जिन बोल दिंदे आ, हाशिया बोल दिंदे आ, ठीक है। हाशिए का कोई रंग नहीं हुंदा, ठीक है, पारदर्शी हुंदे ने। इह बॉर्डर के बाहरले पासे हुंदे, बॉर्डर तो बाहरली साइड ही यूज़ किए जाते हैं। इह हाशिए नूं निर्धारित करन लई इत्थे चार निर्देश हन, खब्बा उपर सज्जे हेठा, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ की है तो उसकी व्याख्या करते हैं। आप पहला मार्जिन होंगी की है, ये प्रॉपर्टी सारिया मार्जिन प्रॉपर्टी एक डिकलेयरेशन सैट करने लिए वरती जाती है, भी जिन्हें मार्जिन प्रॉपर्टीज़ होंगे उन्होंने डिकलेयरेशन करने वरती जाती है। मार्जिन जी लिफ्ट है, ये प्रॉपर्टी एलीमेंट के लैफ्ट मतलब कि खब्बे पासे सैट करने लिए वरती जाती है। जी राइट साइड आ वो सज्जे पासे सैट करने लिए वरती जाती है। जी टॉप उपरों सैट करने लिए वरती जाती है, तो जी बॉटम हैगी नीचों सैट करने लिए वरती जाती है, ठीक है जी। उदाहरण जिवें आप सैटिंग करनी है मार्जिन की, जिवें मार्जिन लैफ्ट तो 40 पिक्स है, राइट तो 60 छड़ती, बॉटम तो 50 छड़ती, टॉप तो 70 छड़ती, ठीक है। आप पैराग्राफ की सैटिंग कर ली इस तरह। मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखनी, आप मार्जिन लिखिए सीधा बेटा 50, 60, 70, 80। मार्जिन फॉर टॉप के लिए 50, ठीक है, राइट के लिए 60 हैगी, तो बॉटम के लिए 70 है, तो 80 कि हैगी अपने को लैफ्ट साइड के लिए। इस तरह आप टॉप लैफ्ट साइड के अकॉर्डिंग अपनी मार्जिन जी इको लाइन के भी सैट आप कर सकते हैं, ठीक है। सी एस एस पैडिंग की होंगी है, ये प्रॉपर्टी कंटेंट के एलीमेंट के बॉर्डर विचकार जगह निर्धारित करने लिए वरती जाती है, भी बॉर्डर के विचकार जिहड़ी जगह बचती है उन्होंने निर्धारित करने के लिए वरती जाती है। पैडिंग सैट करने लिए इत्थे चार निर्देश है, चार सैट किए जाते बेटा, खब्बे उपर सज्जे हेठा, भी मतलब कि कंटेंट एलीमेंट के बॉर्डर विचकार जिहड़ी जगह छड्डी जाती है उन्होंने सैट करने के लिए वरतते हैं। पैडिंग ये प्रॉपर्टी एक डिकलेयरेशन पैडिंग दी प्रॉपर्टियां लिखने लिए वरती जाती है। लैफ्ट साइड कहिंदे प्रॉपर्टी HTML एलीमेंट के खब्बे पासे पैडिंग दर्शाने लिए वरती जाती, खब्बे पासे दे लिए वरती जाती है। जिहड़ी पैडिंग राइट है राइट साइड पैडिंग दर्शाती है, जिहड़ी टॉप आ वो टॉप साइड दिखाती है, जिहड़ी बॉटम आ नीचे दिखाती है। तो इहदी सैटिंग दे लई पैडिंग दे लई बेटा अपने कोल टॉप पैडिंग बॉटम सारा लिखना पैंदा। इस तरह जे आपां शॉर्ट हैंड दे विच लिखना पी लिख के पैडिंग लिख के आपां टॉप दी बॉटम दी मतलब विच लैफ्ट दी राइट दी सारे दी सैटिंग आपां इत्थों कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह सी एस एस बॉक्स मॉडल की हुंदा, जिहड़ा सी एस एस बॉक्स मॉडल हुंदा बेटा, टर्म बॉक्स मॉडल की वरतों वेब पेजा के डिजाइन और लेआउट के संबंध में की जाती है, भी वेब पेजा किमें आप डिजाइन करना, उन्हां दी लेआउट भी दिख उदा दी किदां दी बनाउणी, भी किदां दे दिसन। तो HTML का हरेक एलीमेंट पार्ट एक तरह नाल एक बॉक्स ही हुंदा, भी जिन्हें भी पार्ट ला लो वो एलीमेंट ला लो कि होंगे ने एक बॉक्स की फॉर्म च होंगे ने। वैब ब्राउज़र हर एलीमेंट नू सी एस एस बॉक्स मॉडल के अनुसार एक रैक्टेंगल बॉक्स वजो, मतलब कि जिहड़ा वैब ब्राउज़र एक रैक्टेंगल की फॉर्म के ही बॉक्स में पेश करता, जिवें नीचे आपां नू एक चित्र दिखाया गया। बॉक्स मॉडल में कई एट्रीब्यूट होंगे ने, इस विच शामिल हैं हाशिए, हाशिए जिहड़ी साइडां तो लाइन छड्डी जांदी आ, बॉर्डर हो गया, पैडिंग होगी, एक्चुअल कंटेंट हो गए, इन्हों बॉक्स मॉडल रूप में चित्र 1.8 दर्शाया गया। जिहड़े कंटेंट है जो भी चीज़ लिखनी वो आप इत्थे लिखी है, पैडिंग जिवें साइडां ते बॉर्डर के विचकार जिहड़ी आ साइड छड्डी हुई पैडिंग बोलदे आ, आ गया बॉर्डर मोटा दिखाया, उपर मार्जिन जिहड़ी आप लैफ्ट साइड राइट टॉप ते बॉटम तो सैट करते हैं, ठीक है जी। इस तो बाद पैडिंग दे भी पार्ट्स हुंदे ने, पहला कंटेंट इस एरिए बॉक्स से कंटेंट नूं दिखाया जांदा भी की आप एलीमेंट लिखना, कंटेंट टैक्सट तस्वीर या कुछ होर मीडिया, कोई आप अक्षर भी लिख सकते हैं, कोई तस्वीर भी हो सकती है, जो कोई मीडिया भी हो सकता है। पैडिंग की बॉक्स के बॉर्डर के कंटेंट के विचकार आ, तुम दस्या सी पैडिंग आ गई बेटा अपने को आदि बॉर्डर के कंटेंट के विचकार आ गई, तो इन्हें पैडिंग बोलते हैं। इस तो बाद बॉर्डर है बॉक्स के मार्जिन और पैडिंग के विचकार की जगह होंगी है, बॉर्डर कितने आ गया जी थोड़ा जिहड़ा आपां कादे विचकार कीता सीगा, बॉक्स के विचकार ते मार्जिन के विचकार, पैडिंग ते मार्जिन के विचकार आ जिहड़ा बॉर्डर हो गया। इस तो बाद आ गया जी तुहाडे कोले मार्जिन, मार्जिन ये बॉर्डर तो बाहरले पासे हुंदी आ, बॉर्डर तो बाहरले पासे ना मार्जिन होगी। ये सारिया मतलब कि सी एस एस बॉक्स मॉडल के की ने मॉडल आउदा। तो सी एस एस के बॉक्स मॉडल की वरतों करदा वेब पेज के लेआउट नूं डिजाइन करन दे लई। HTML विच कहिंदे आम तौर पर दो एलीमेंट्स हुंदे ने, डिव ते स्पैन, कहिंदे इस एलीमेंट की व्याख्या हेठ लिखी अनुसार आ, दोवें डिव अते स्पैन आ जिहड़े एलीमेंट वैब पेज के भागां नूं प्रभाषित करदे, उहदे हिस्से दसदे आ।
कहिंदे एक भाग डिव एक ब्लॉक पद्धर का एलीमेंट हुंदा मेन हुंदा स्पेन एक इनलाइन एलीमेंट सिर्फ एक लाइन ब्लॉक पद्धर ही सारे नूं हैंडल करदा ये एक लाइन नूं हैंडल करदा ठीक है। डिव की वरतों डॉकूमेंट के भाग में रैप करने के लिए की जाती है मतलब इको लाइन भी देखो राजे कई बार डाटा अपने इको लाइन के ही जाए जाता भी आप टाइप करिए एक लाइन के ही जाए जाता तो अपना अगली लाइन के आने के लिए आप रैप की वरतों करते हैं ये जो टैक्सट इमेजेस आदि छोटे हिस्सों रैप करने लिए स्पेन की वरतों जोड़े छोटे हिस्से है उन्होंने रैप करने के लिए आप कहदी वरतों करते हैं स्पेन की इकट्ठा करने के लिए। तो इतने एक उदाहरण है डिव के लिए डेमो टैक्स विद स्पेन के नाल समर स्पेन को क्लोज किया फिर आप डिव न टैग में क्लोज किया तो डिव एलीमेंट में एच डी एम एल सी एस एस आधारित लेआउट बनाने समय इस्तेमाल किया जाता है। जब स्पेन एलीमेंट टैक्स में स्टाइलिश करने लिए वरत्या जाता है तो डिव और स्पेन एलीमेंट्स में लोड़ीदे एट्रीब्यूट नहीं होंगे पर स्टाइल क्लास आई डी आम एट्रीब्यूट होंगे जो कि दोवें एलीमेंट्स नाल वरते जाते हैं। तो हेठा दित्ती उदाहरण दर्शाते हैं कि वेब पेज में बॉक्स मॉडल को किवें परिभाषित आप कर सकते हैं। हाँ देखो राजी एक बॉक्स मॉडल दिता हुआ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एक कंटेंट आ गया थोड़ा जिहड़ा आ वाली ए हो गया अपने को उस अकॉर्डिंग बनया हुआ हूँ देखो राजी मैं तुहानूं दसदी हाँ ये देखो राजी अपने को जिहड़ा प्रोग्राम है एच टी एम एल बनाया हैड लगा के स्टाइल मेन पहला फॉन्ट का जो साइज़ वो 32 है भी साइज़ का जोड़ा फॉन्ट तो 32 पी एक्स होना चाहिए फॉन्ट का जोड़ा वेट है बोल्ड मोटे होने चाहिए तो वो अलाइनमेंट सेंटर च होनी चाहिए हूँ ये चेक करो पहला हूँ आ देखो साइज़ यदा की है गया व्डा आ गया ये बचाले सैट की हुई है ठीक है तो यदि अलाइनमेंट की है अपने को मोटी आ ठीक है ये चीज़ शो होगी। इस तो बाद जो हम बॉक्स की गल कर रहे हैं बॉक्स बॉक्स के जो पैडिंग टॉप तो 40 होना चाहिए पैडिंग कहे कंटेंट के बॉर्डर के विचकार आ वाली होगी ना आ वाली जगह होगी ये 40 होना चाहिए टॉप तो नीचे बैठते कि 450 आ देखो आ बद ना यद वाली होगी। इस तो बाद राजे अपने को गई हाइट एरी 150 पिक्सा बॉर्डर 50 पिक्स होना चाहिए सॉयलिड होना चाहिए नेवी कलर नेवी आ वाला कलर हो गया इन नेवी कलर बोलिया गया। इस तो बाद राजे अपने को आ गया मार्जिन है जी टॉप तो छड़ी हुई इन्नी ठीक है जी। इस तो बाद अपने को मार्जिन टैक्स अलाइनमेंट सेंटर के शुरू किया हो फॉन्ट साइज 28 है फॉन्ट का जोड़ा वेट है वह की अपने को बोल्ड है ठीक है इस तरह आपको दिखाता सारा। तो इस तो बाद स्टाइल में क्लोज किया अपने को फिर हैड क्लोज हो गया फिर बॉडी क्लोज होगी फिर डिव क्लास कहते लगाई सी मेन बॉक्स से लगाई सी बस वो आई डी के आपको की हो गया शो हो गया ये वाला डेटा आप करता शो करता इस तरह आप मतलब यदि सैटिंग है जी प्रोग्राम की कर सकते ठीक है। सी एस एस प्रॉपर्टीज़ के प्रोग्राम की एक होर उदाहरण भी पई है राजे हुण तक जो भी असी पढ़िया एक सधारण प्रोग्राम की वरतों नाल दिखाया गया आओ एक कहिंदे डेमो प्रोग्राम के जरिए इंटरनल स्टाइल शीट की वरतों करते हुए समझिए कि सी एस एस एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी की वरतों किवें करनी है। हेठां दित्ते प्रोग्राम नोटपैड प्लस प्लस एडिटर की वरतों करके बनाया गया तो इसकी आउटपुट वेखण लई गूगल क्रोम जां कहिंदे किसी होर वैब ब्राउजर की वरतों करो जो यदि ब्राउजर करते हैं देखो राजे तो वैसे ही बनाया हुआ भी मेन फंक्शन के आप कलर वह नेवी सैट किया फॉन्ट हो गया वेट हो गया वह अलाइनमेंट होगी फिर बॉक्सिस एडिंग किए पैडिंग की वैड्थ हाइट बॉर्डर की मार्जिन की सैटिंग होगी इस बाद हैडिंग दिखाते बैकग्राउंड कलर दिखाता सारे जिन्हें भी आप पिछले एट्रीब्यूट्स पढ़ के आए सारे की सैटिंग करके एक प्रोग्राम बनाया आ वाला देखो राजे आ तो मेन दे हो गया आडा बॉर्डर का हो गया आ वाली जी पैडिंग वाली स्पेस दिखाती आ जो आप कंटेंट मेन हैडिंग लिखा सी उदा कलर वगैरह दिखाता उन्होंने अगे येलो कलर करता आ सारे कंटेंट पास किए भी इन्ना क डाटा अपन रैड शो होना चाहिए बाकी ये लिंक क्रिएट करता है सारे तरह का प्रोग्राम ये बन गया। ये वाला प्रोग्राम मैं तुम्हें नोटपैड के बना के भी राजे सेंड कर दूँगी उस चंगी तरह समझ आजूगा भी आप किमें नोटपैड के यूज़ करते हैं ठीक है जी। तो वैब मतलब वैब ब्राउजर से आप ओपन करके देख सकते ठीक है। ये तो प्रोग्राम तो राजे चैप्टर तो खत्म हो गया बट की आगे तो थोड़ा जहा वर्क है जोड़ा तुम करोगे आप सॉल्वआउट जिमें अभ्यास के अपने को भाग उड़ा वोदिया मतलब क्या खाली थावान दी हुई ने ए वाली तुम्हें भर के देखनिया ने। इस तो बाद बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न ने इन्हों के आंसर देने हैं सारे ने। इस तो बाद बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न चार पाँच लाइन वाले वो वाले करने हैं इस तो बाद बड़े उत्तर वाले मतलब सारे की रीडिंग लैनी है जिहड़ा तुहानूं समझ आ गया जिवें खाली थावां जिहड़ा जिहड़ा चीज़ समझ आउंदी उहनूं नोटबुक ते तुसीं कंप्यूटर साइंस दी स्पैशल एक नोटबुक लगाओगे उहदे उपर की करोगे इहनूं सॉल्व करके लिखोगे ठीक है जी। अभी जिवें आपां क्वेश्चन आंसर लिखते हैं लिखण तो बाद जिहड़ा जे इहनूं तुहानूं समझ ना आया कल मैं तुहानूं इहदी वीडियो दुबारा पाऊंगी ना जिहड़े मतलब सैटिंग कीती मैं क्वेश्चन दे आंसर लभ के मैं वीडियो पाऊंगी उस अकॉर्डिंग आपकी सैटिंग कर लो पहले एक बार तुसीं रीड आउट करके देखना भी तुसीं किन्ना क कर सकते हो ठीक है। वेरीफाई करना प्रोग्राम के लभने क्वेश्चन के आंसर लभने भी तुसीं किवें लभोगे चैप्टर के लभ के तुसीं देखने हैं सारे ठीक है। बाकी मैं इन्हें जो भी आंसर बन गए राजे कल तुहानूं मैं अपलोड कर दूंगी ठीक है वह वाला तुसीं देख लियो। इस तो बाद आपां सैकंड चैप्टर जिहड़ा शुरू करांगे ठीक है। ओके बेटा थैंक यू सो मच।